So, what's up, everyone? I'm here after a quite long time. My name is Yash Sharma, and I guess you guys already know me. So, फिर भाई, how are you guys? कैसे हो सब लोग? And हाँ, मतलब दशहरा की काफी लंबी छुट्टी थी, तो सोचा चलो देख लेते YouTube पे क्या हाल चाल है. एंड आई रिसेंटली गेव IBPS PO, तो ये देखो रिजल्ट भी उसका. एंड ऑब्वियसली भाई निकलना ही था. और अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेंस दूं कि ना दूं, क्योंकि IPS ठीक है कि RRB ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा है. क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ वो भी मतलब ठीक ही है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा. भैया घर से जॉब है, घर से 50 किलोमीटर दूरी ब्रांच है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप डाउन कर सकते हैं एंड आराम से, मतलब बहुत सारे पैसे सेव हो जाते हैं एंड काफ़ी मतलब ठीक है कंपेरेटिवली. IPS तो ठीक है, IPS में पता नहीं कहाँ भेज दें, हु नोज कहाँ किस स्टेट में, पर IPS में थोड़ा मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा. क्योंकि भाई ऑफिस ऑफिस लगेंगे, भाई ऑफिस लगेगा, यहाँ किसी बैंक में आए हो, एसी वगैरह होगा. यहाँ पे देख लो भाई, ऐसा लगता है कि सरकारी दफ्तर में आ गए पुराने. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, मतलब बहुत खराब नहीं पर खराब है IBPS से अगर कंपेयर करो तो. पर बैंक बहुत अच्छा है, मतलब कंपेरेटिवली काम मेरे हिसाब से अच्छा है. मतलब एज अ PO स्टार्ट में कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है, मतलब तुम्हें हर एक काम करना होता है धीरे धीरे. जैसे कि सबसे पहले मैं गया था तो स्टार्ट में तो 1.5 साल ट्रेनिंग होती है, फिर तुम्हें तो ब्रांच देते हैं, तो फिर ब्रांच में पहले कैंसिलेशन का काम हो सकता है. मतलब कैंसिलेशन तो जो आगे काउंटर बैठते हैं, जो पैसा विदड्रॉ करते हैं, तो अंगूठा अंगूठा मैच कराते, साइन मैच कराते, शक्ल मैच करते, मतलब वो एक नंबर का बोरिंग काम, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था. मैं बहुत कम किया था, मैं बोला भाई मुझसे ये क्या है भाई, सेम रिपीटेटिव काम, मोनोटोनस काम में से ना हो पा रहा. तो मैं और भी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करा, फिर और भी चीज़ें थी जैसे लोन्स एंड एडवांसेस में काफ़ी ज़्यादा काम थे. जैसे कोई लोन लेना है तो सिबिल चेक करो, और मतलब बाकी सब सारी चीज़ें देखो, सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, तो फिर वो सब भी बात है. और मतलब कस्टमर डीलिंग एक बहुत बड़ा काम है. कस्टमर आता है, अब मान लो उसको उसको कोई भी काम है, जैसे सपोज करो उसका खाता मतलब उसको रोल ओवर कराना है, होती है चीज़ मतलब KCC में. तो और चौथा जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम है वो रिकवरी का. रिकवरी मतलब वो अकाउंट जो NP हो चुके हैं, तुम जाओ CSP को फ़ोन करो सुबह, उनको बुलाओ, उनके साथ जाओ उन बोरोवर्स के घर, उनको समझाओ भैया लोन वापस करो, बैंक का पैसा है तुम्हारा नहीं है, वापस करने की ज़रूरत है तुम्हें, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो उससे रिकवरी कराओ, विच इज़ क्वाइट हेक्टिक, क्योंकि रिकवरी करना मुश्किल काम है. तो रिकवरी हो जाए तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है. सपोज 5 लाख का खाता है, 5 लाख अकाउंट NP हो चुका है, बैंक का पैसा वो जा चुका है ना. और तो फिर अब सोचो तुम जाते हो, उसको समझा देते हो किसी तरह, OTS वगैरह करके समझौता करके तुम वो 5 लाख की जगह कुछ ले आते हो, तो बैंक का तो प्रॉफिट है, क्योंकि बैंक उसको लॉस समझ चुका है, वो NP है. तो फिर वही सब चीज़ें हैं, बाकी ठीक है. और मतलब काफ़ी सारे काम है, यही 4-5 काम जो गिनाए, और भी बहुत सारे काम है ठीक है. और जैसे कि अपना चल रहा है बढ़िया जीवन. और क्या है, मतलब मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या काम है. बाकी अगर मैं अपने ऑफिस आवर्स बताऊँ तो आई गेस मेरा मतलब सुबह जैसे मैं उठा 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 के 9 बजे निकला, 9:30, तो 10 बजे से पहले ब्रांच पहुँचना होता है, ये एक चीज़ है. तो 10 बजे से पहले ब्रांच पहुँचो, तो 9:30 तक निकला ठीक है, 10 बजे पहले ब्रांच पहुँच जाओ, और 9 बजे निकलोगे 10 बजे आराम से पहुँच जाओगे. और दूसरी चीज़ लौटते समय जो जब ब्रांच बंद होती है क्लोजिंग, वो भाई कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है. क्योंकि जब तुम ब्रांच बंद करते हो तो देर आर डेज जब तुम्हारी क्लोजिंग हो जाएगी, डे एंड हो जाएगा 5:30 बजे 6 बजे, एंड देर आर डेज जब डे एंड होता है, क्लोजिंग होती है 10 बजे 10:30 बजे. तो फिर भाई यू हैव नो आइडिया उस दिन क्या फंसना है क्या नहीं फंसना, कब ब्रांच बंद होनी क्या नहीं होनी. बट अब जैसे नॉर्मल डे से अभी ये दशहरा का टाइम चल रहा है, तो बहुत आराम से अच्छे दिन जा रहे हैं भाई, मतलब मस्त चल रहा है. जल्दी ब्रांच बंद हो जा रही है, बढ़िया छुट्टियाँ चल रही हैं, आराम से एंजॉय करो, घर पे घूमो घामो, तो ये सब बढ़िया चीज़ है. बाकी बाकी ठीक है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई जॉब, क्योंकि आई एम फाइनेंशली इंडिपेंडेंट, मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ. मुझे कुछ भी चीज़ खरीदनी, मुझे एक भी थॉट नहीं देना भाई उस पर, जाओ ले लो. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आता अमीर हो गया हूँ, पर हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो गया, मतलब मेरी उम्र के हिसाब से वो जो मुझे मिल रहा है पैसा वो काफ़ी है ठीक है. अब मतलब अगर मैं बड़ा होता, 40 साल का होता, शादी ब्याह हो जाता, बच्चे होते, तो शायद 1,500 रुपये बहुत कम थे, पर अभी जितने साल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं. और क्या बताऊँ भाई, मतलब बैंक में आने के बाद थिंग्स हैव क्वाइट चेंज्ड. मतलब मेरी जिंदगी थोड़ा मतलब, तो बैंक में आने के बाद लाइफ में थोड़ा मतलब वो जो उथल पुथल था वो थोड़ा कम हो गया है. अब थोड़ा शांति पूर्वक चलता है मेरा जीवन. पहले मतलब पता नहीं भाई, मतलब ठीक है चल रहा है. और अब देखो क्या करता हूँ नेक्स्ट, मतलब फिलहाल IBPS
ना ही जाने का प्लान है, क्योंकि अब बैंक टू बैंक जाने का कोई फायदा नहीं। 2,36,000 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पे बॉन्ड के, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 महीने की सैलरी एक बार में कौन दे पाएगा। और फिलहाल ठीक ही है, और फिलहाल मेरे ख्याल से अब कुछ अलग करना पड़ेगा तो नाबार्ड RBI में से ही देखना पड़ेगा। बाकी अभी के लिए तो भाई लाइफ इज़ गुड। बैंक में आने के बाद 5 महीने हो गए, काफ़ी कुछ सीख लिया हूँ एंड ठीक है।